अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल प्लांट्स वर्ल्ड 786। आज मैं विनका के सीड्स कलेक्ट करने वाली हूँ। ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। इस प्लांट का मशहूर नाम सदाबहार है और इसे पेरीविंकल के नाम से भी जाना जाता है। इसके बहुत ही खूबसूरत से कलरफुल फ्लावर्स होते हैं, पिंक, वाइट, रेड, और हमारे एरिया में ज़्यादातर पिंक फ्लावर्स लगते हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे पास ज़्यादातर पिंक है और ये दो से तीन जो हैं मेरे पास वाइट फ्लावर वाले फूल हैं, जो कि मैंने इसी के दरमियान में लगाए हुए, क्योंकि जब ये दोनों मिक्स फ्लावर्स निकलते हैं तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। और इसके सीड्स कहाँ पर होते हैं और इसके सीड्स कैसे दिखते हैं, तो चलिए आइए इसके सीड्स को ढूंढते हैं। आपको मैं बहुत ही आसान और से टिप्स दूँगी इसके सीड्स को कलेक्ट करने के लिए। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये फ्लावर है। हमने इसके बिल्कुल नीचे देखना है, ये देखिए फ्लावर को थोड़ा सा हटाएंगे तो ये देखिए, ये जो आपको फलियां सी दिख रही हैं लंबी लंबी सी, ये इसका सीड पॉट है। इसके अंदर सीड्स बनते हैं और जब ये बहुत लाइट ग्रीन या लाइट येलो सा हो जाता है तो इसके सीड्स का इसका मतलब होता है कि इसके सीड्स पक गए हैं और मिट्टी में लगने के लिए ये तैयार है। ठीक है, आपने जब भी इसके सीड्स कलेक्ट करने हैं हल्का सा फ्लावर को ऊपर से उठाना है, तो ये देखिए ये इसके सीड स्पॉट्स हैं। इसी तरह मैं दूसरे में भी दिखा देती हूँ, ये देखिए ये थोड़ा सा फ्लावर को उठाया और ये नीचे इसके सीड स्पॉट के देखिए, ये फ्लावर ड्राई हो गए हैं और ड्राई होके बिल्कुल ही खुश्क हो गए हैं। ये देखिए ये इसके सीड स्पॉट्स हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक और दिखाती हूँ जिसमें सीड्स, ये देखिए इस ये भी सीड रेडी हो चुका है। ये देख रहे हैं आप, सीड पॉट खुल चुका है और सीड्स जो हैं उसमें से नीचे गिर भी गए हैं, तो मैं इन्हें उतार लेती हूँ। ये देखिए ये आप लोगों के सामने ही सीड पॉट खुला हुआ है और उसके अंदर से सीड्स नीचे गिर गए हैं। और जब हम क्या होता है कि जब हम ज़्यादा टाइम तक सीड्स लगे रहने देते हैं, सीड्स जब पक जाते हैं हम उन्हें नहीं उतारते, सीड पॉट खुद ही खुल जाता है और सीड्स इधर उधर गिर जाती हैं। सीड्स जब इधर उधर गिरते हैं, जहाँ जहाँ सीड्स गिरते हैं वहीं से वो अपनी जर्मिनेशन को स्टार्ट कर देते हैं और वहीं से फिर पौधा निकल आता है। तो आइए मैं आपको एक और अपना विनका का प्लांट दिखाती हूँ। ये देखिए ये मैंने बाहर की साइड पे विनका का प्लांट रखा हुआ है। इसमें ज़्यादा फ्लावर्स तो नहीं लगे हुए, इसमें साथ ही नियाज़ भी लगा हुआ है। मैं आपको इसके सीड्स दिखाने वाली हूँ। ये देखिए इसके फ्लावर अभी बन रहा है, ये देखिए कली ऊपर से बन रही है, ये इसका सीड पॉट है। ये देखिए इसमें से आपको ब्लैक ब्लैक नज़र आ रहा होगा, इसका मतलब है कि ये सीड रेडी है। और अगर ये देखिए मैंने उसको उतार लिया, ये देखिए ये जो आपको इसमें से ब्लैक ब्लैक नज़र आ रहे हैं ये सीड्स हैं, ये तैयार हो चुके हैं। इसी तरह मैं आपको एक और दिखाती हूँ, ये देखिए ये वाला, ये भी उतार लेते हैं। ये देखिए ये जो ब्लैक ब्लैक से सीड्स अंदर हैं ये तैयार हो चुके हैं। अब मैं बाकी सीड्स कलेक्ट करती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ। एक और चीज़ आप लोगों को दिखा दूँ कि जब सीड स्पॉट इस तरह से जब ये बेलें बाहर की तरफ को आई होती हैं और जब सीड पॉट खुल जाते हैं, तो ये देखिए इस तरह से ये सारे सीड्स गिरे हुए हैं। ठीक है, जहाँ जहाँ सीड पॉट खुला होगा वहीं वहीं, जैसे कि ये पत्ते आप देख सकते हैं, ये सीड पॉट था खुला और सीड्स सारे ज़मीन पर गिर गए। ठीक है, मैंने जो सीड्स कलेक्ट कर लिया वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए ये आप देख सकते हैं, ये आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखिए ये छोटा सा सीड पॉट था, इसके अंदर कितने सारे सीड्स हैं। इस तरह से हम बहुत ही आसानी के साथ सीड्स को कलेक्ट कर सकते हैं। आप लोग भी अपने विनका के सीड्स को कलेक्ट कीजिए और अपने घरों में अपने बागों में सीड्स को लगाइए। आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें और आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। ओके व्यूअर्स, अल्लाह हाफ़िज़।